हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी पेट फट से। लास्ट वीडियो पे हमने पढ़ा था ऑटो क्वाइट्स के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करके उसके एक इम्पॉर्टेंट क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हिस्टामिन। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिस्टामिन एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए देखते हैं इसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्टामिन के अंदर हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाके हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टोरेज और रिलीज कहाँ से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसके एडवर्स इफेक्ट और उसके हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे हम पढ़ेंगे उसके एंटागोनिस्ट के बारे में। फटाफट से मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे हम पढ़ेंगे अभी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पहले शॉर्ट में रिमाइंड कर लेते हैं कि ऑटोक्वाइट क्या होता है। ऑटोक्वाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी लोकल टिश्यू द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, वहीं पर रिलीज होता है और अपना एक्शन देने के बाद वहीं पर डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि इनका जो सारा साइकिल और प्रोसेस है वो एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में होता है, इसलिए अक्सर हम इनको लोकल हार्मोन के नाम से जानते हैं। इनका रोल है वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है, जैसे कि एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी इन्फ्लेमेशन के केस में ये हमें इनका रोल दिखने को मिलता है। चलिए अब आगे हम हिस्टामिन के इंट्रोडक्शन की ओर मूव करते हैं। हिस्टा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टिश्यू, इसलिए इसको टिश्यू अमाइन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था सर हेनरी डेले ने। ये एक बायोजेनिक अमाइन डेरिवेटिव है जो कि हर एक मैमेलियन टिश्यू में पाया जाता है। ये मास्ट सेल, पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, CNS और पेरीफेरी से सिंथेसाइज होता है। ये एक ऑटोक्वाइट की तरह रिएक्ट करता है, उसी की तरह एक्ट करता है, और जब एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, ये एज अ मीडिएटर वहाँ पे काम करता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रीशन में। आगे हम इसके बायोसिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। जब हिस्टाडिन डाई एमाइन ऑक्सीडेस के थ्रू उसके प्रेजेंस में हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है, और फिर हिस्टामिन जो है वो हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में एन मिथाइल हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है, और अगेन उसका जो सेकेंड पाथ होता है वो डाई एमाइन ऑक्सीडेस में ऑक्सीडेशन के थ्रू इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फर्दर जो एन मिथाइल हिस्टामिन है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो इमिडाजोल एसिटिक एसिड है वो सीधा एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू, और फर्दर जो एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। आगे हम हिस्टामिन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। उसका केमिकल फार्मूला है C5H9N3। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 83.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर सॉल्यूबल है, वो इजीली सॉल्यूबल हो जाता है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में। और इसका अदर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो ये मिथेनॉल में भी और इथेनॉल में भी इजीली सॉल्यूबल है, और जो डाइएथाइल ईथर है इसमें भी ये स्लाइटली सॉल्यूबल है, वेरी स्लाइटली मतलब बहुत कम सॉल्यूबल है, ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल से ये सॉल्यूबलाइज होता है डाइएथाइल ईथर में। आगे हम उसके स्टोरेज और रिलीज के बारे में देखें। जो हिस्टामिन है जब वो एलर्जन बाइंड होता है IgE एंटीबॉडीज से, तब हिस्टामिन रिलीज होता है। यहाँ पे एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जी कॉसिंग एजेंट्स जो होते हैं उसे एलर्जन कहा जाता है। वो जब बाइंड होता है IgE एंटीबॉडीज से तब हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन कहाँ पे स्टोर होता है? हिस्टामिन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मास्ट सेल, बेसोफिल्स, म्यूकस सेल ऑफ GIT और सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस के ग्रैन्यूल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा स्टोर्ड रहता है हमारे बॉडी में। आगे चलिए हम देख लेते हैं उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। ये एक्ट करता है पोस्टसिनैप्टिक रिसेप्टर्स पे, H1, H2, H3 और H4 रिसेप्टर्स
पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स में ये एक्ट करता है। और ये ऑल जो रिसेप्टर्स है, जितने भी ये रिसेप्टर्स हैं, ये GPCR है, मतलब कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। आगे हम इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये इचिंग कॉज करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है और ब्रोंकोस्पासम कॉज करता है। अगर आगे हम हिस्टामिन के रिसेप्टर्स के टाइप के बारे में बात करें तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, S3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर। आइए एक एक करके इसके टाइप्स, लोकेशन, उसके टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, उसके फंक्शन और वो किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, इसको हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। H1 रिसेप्टर जो है वो थ्रू आउट द बॉडी में पाया जाता है, ये स्मूथ मसल में स्पेशली पाया जाता है और वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में और हार्ट और CNS में भी ये पाया जाता है। अगर हम इसके रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। जो H1 रिसेप्टर है वो लिंक होता है इंट्रासेल्यूलर जी प्रोटीन से, जिसको हम GQ भी बोलते हैं, जो कि एक्टिव करता है फॉस्फोलाइपेज सी को और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट सिग्नलिंग पाथवे को, IP3 पाथवे को ये एक्टिवेट करता है। आगे हम इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो ये इंक्रीज करता है वस्कुलर परमिबिलिटी को, इन्फ्लेमेशन साइट पे इंड्यूसिंग हिस्टामिन इलियम कॉन्ट्रैक्शन। और आगे हम इसको देखें तो ये मॉड्यूलेट करता है कार्डियन साइकिल को भी। H1 रिसेप्टर किन किन चीज़ों के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ये जब नौसिया कॉज करता है तब ये इसका ट्रीटमेंट के लिए, नौसिया कॉजिंग ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है H1 रिसेप्टर। एलर्जीज में यूज़ होता है और स्लिप डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। आगे हम मूव करते हैं H2 रिसेप्टर की ओर पे, ये सेकेंड टाइप है हिस्टामिन रिसेप्टर का। इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मोर स्पेसिफिक लोकेशन है इसका, ये बॉडी के मेन पार्ट्स इसके हैं, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में ये पाया जाता है। लो लेवल कैन बी फाउंड इन वस्कुलर स्मूथ सेल, न्यूट्रोफाइल्स, CNS, हार्ट, यूट्रस और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसके ये टाइप है, मतलब इसका रिसेप्टर टाइप जो है ये जी प्रोटीन कपल GPCR जिसको हम कहते हैं, ये GS इंट्रासेल्यूलर से लिंक होता है। ये CAMP के प्रोडक्शन को पोटेंट स्टिमुलेट करता है, जो कि लीड करता है प्रोटीन काइनेज A के एक्टिवेशन को। आगे हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को इंक्रीज कर देता है, ये साइनस रिदम को स्पीड अप कर देता है और ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाता है। ये इनहिबिट करता है एंटीबॉडी सिंथेसिस को, टी सेल प्रोलिफरेशन को और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को। आगे हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये H2 रिसेप्टर जो है ये स्टमक अल्सर में के ट्रीटमेंट में काम आता है। चलिए आगे मूव करते हैं टाइप 3 हिस्टामिन रिसेप्टर की ओर, जो कि है H3 हिस्टामिन रिसेप्टर। आगे हम इसके लोकेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में CNS में पाया जाता है। हाई लेवल इसका जो होता है ये CNS के थैलमस पार्ट में होता है और कॉर्डेड न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। PNS में ये बहुत लेसर अमाउंट में होता है और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस और प्रोस्टेट में ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। आगे हम इसके रिसेप्टर्स की बात करें तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और ये GI टाइप का से लिंक्ड होता है, GI टाइप से लिंक्ड होता है और ये लीड करता है CAMP के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है ये। आगे हम इसके फंक्शन की बात करें तो दे एक्ट एज अ ऑटो रिसेप्टर्स इन प्रीसिनेप्टिक हाई स्टेमिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड आल्सो कंट्रोल हिस्टामिन सिंथेसिस। आगे हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये कॉन्जेटिव हार्ट डिसऑर्डर्स में काम आता है, नैरोलेप्सी, टोरेटी सिंड्रोम में, पार्किंसन में, OCD, ADHD और ड्रग एडिक्शंस को छुड़ाने के लिए H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ये हमारे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। आगे हम फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे हम टाइप 4 हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है H4 हिस्टामिन रिसेप्टर, जिसका जो लोकेशन अगर हम देखें
टाइप 4 मतलब H4 हिस्टामिन रिसेप्टर है, ये 2000 में डिस्कवर हुआ है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में पाया जाता है, जैसे कि स्प्लीन, थायमस और ल्यूकोसाइट्स में, कोलोन, लीवर, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस, थायमस, टॉन्सिल्स और ट्रेकिया में भी ये पाया जाता है। ये जो है ये अननोन है, मतलब इसका जो ये कौन सा किस टाइप का रिसेप्टर है ये अननोन है, बट मोस्ट लाइकली ऐसा बोला जाता है कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो जो यूसिनोफिल्स के शेप्स चेंज और मास सेल कीमोटेक्सिस में ये मीडिएटेड एज अ मीडिएटेड इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। आगे हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ये किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो ये एलर्जी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। और H4 का ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए लाइक ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस, अर्थराइटिस और IBS और अस्थमा के केस में इसके ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। H4 का इसका रिसर्च चल रहा है, ये अभी तक क्लियर हुआ है नहीं है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ में एज अ ड्रग इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। आगे हम हिस्टामिन एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। हिस्टामिन एंटागोनिस्ट मतलब होता है जो हिस्टामिन के रिलीज़ को एंटागोनाइज करेगा, इनहिबिट करेगा, उसी को हम कहते हैं हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। ऐसा कोई भी ड्रग जो ब्लॉक करेगा हिस्टामिन के एक्शन को उसके किसी भी रिसेप्टर पे, H1, H2, H3 और H4 रिसेप्टर पे, कोई भी ड्रग ऐसा ड्रग जो उसके हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है उसके किसी भी रिसेप्टर से, उसी को हम हिस्टामिन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। सबसे पहले किसी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज हिस्टामिन एंटागोनिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, जो कि ब्लॉक करता है हिस्टामिन के एक्शन को। सबसे पहला जो ड्रग था जो पाया गया था वो था पिपरोक्सम। अगर हम इसके आगे देखें तो जो पिपरोक्सम है वो ड्रग है जो इनहिबिट करता है हिस्टामिन के रिलीज़ को, ये इनहिबिट करता है एक्शन को जो कि हिस्टामिन द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, जो भी एक्शंस लिए गए हैं उसको ये इनहिबिट करता है। H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और H3 एंटागोनिस्ट के द्वारा जो ड्रग है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं उसके डुअल फंक्शंस होते हैं। इसी के साथ हमारा हिस्टामिन चैप्टर, हिस्टामिन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हिस्टामिन, मैं अगेन बोल रही हूँ कि हिस्टामिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, पूरी डिटेल स्टडी करें इससे, इसे एक नए क्वेश्चन तो GPAT में बन सकता है इस साल 2022 के क्वेश्चंस में से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक्स अगर मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसे पोस्ट करूँगी। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ कमी दिखाई देती है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.